कर दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब एक बार फिर से बलविंदर कोशिश करता है ऋषि को मारने की, लेकिन उसके बावजूद उसका पेन ड्राइव गिर जाता है, जो कि पेन ड्राइव की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत थी। इस समय वो पेन ड्राइव मिल जाता है लक्ष्मी की बहन सालू को, क्योंकि दोस्तों उस पेन ड्राइव में ऐसे प्रूफ हाथ लगने वाले हैं कि जिसमें साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि मलिष्का और बलविंदर ने प्लान बनाया था खाने में जहर मिलाने का। क्योंकि उस पेन ड्राइव की जो फुटेज है उसमें आप लोग देख पाएंगे कि बलविंदर साफ साफ खुले शब्दों में नजर आ रहा है कि वो खाने में किस तरीका से अपने जहर से मिश्रण कर रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रोहित नागर, आप लोगों से दोस्तों हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार ऋषि के पीछे पड़ा हुआ है बलविंदर। क्योंकि बलविंदर ने शुरू से ही टारगेट कर लिया था कि किसी भी तरीका से मैं लक्ष्मी और ऋषि को अलग अलग करके ही दम लूँगा, चाहे उसके लिए मुझे ऋषि को ऊपर ही क्यों ना भेजना पड़े। लेकिन दोस्तों, मलिष्का ने बलविंदर को घर पे भी देख लिया कि दशहरे के दिन आया हुआ है, लेकिन मलिष्का ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मलिष्का जानती है इस चीज़ को कि बलविंदर लक्ष्मी को पर अटैक करेगा, ना कि ऋषि पर। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो उल्टा ही हुआ, उसने लक्ष्मी पर अटैक नहीं किया बल्कि उसने ऋषि पर सीधा सीधा अटैक किया है। लेकिन आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देख लेंगे कि किस तरीका से लक्ष्मी की बदौलत ऋषि बचेगा, और लक्ष्मी उस कमरे में आकर हल्ला मचा देगी कि यहाँ पे मैंने बलविंदर को देखा है, जिसके बाद में सभी लोग बलविंदर को ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं सालू आती है और सालू पेन ड्राइव देती है, वो बोलती हुई नज़र आने वाली है कि हमारे पास में पेन ड्राइव है और इसमें हमें काफ़ी सबूत हाथ लग सकते हैं, जिसके बाद में मलिष्का के होश उड़ जाते हैं। साथ ही दोस्तों, हाथ जोड़ रहा हूँ कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसी लगी वीडियो।